Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Umar Wahab. I am the consultant diabetologist. Hyperpressure, that is also called as the hypertension, is a symptomless and silent killer, as you all know, that a patient don't have the sign and the symptoms. They just are having some sort of headache like that. So, and it actually damages the blood vessels. And once the damaged blood vessels occur, it means that patient is having complications like heart problems, like kidney issues, and many more like this one. So while there is no cure, the prescribed medications, which has been prescribed by your physician, you have to take it in a proper way, and the lifestyle modification can help in delaying having the complications like I have already advised you. ये सबसे अहम सवाल है जिसमें आपने पूछा है कि एक जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसको क्या करना चाहिए अपने अच्छा जो है कंट्रोल करने के लिए. सो इन माई ओपिनियन सबसे अहम चीज़ उसकी जो है मुनासिब जो है एवरी डे ग़ज़ा का इस्तेमाल है. हर रोज़ जो है उसकी ग़ज़ा में नमक और जो चिकनाई है उसका इस्तेमाल जो है वो कम से कम होना चाहिए. अगर तो वो सिगरेट पीता है तो सिगरेट उसको उसी वक्त इमिजिएटली स्टॉप कर देनी चाहिए, उसको रोक देनी चाहिए, सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी रोज़ाना की वर्जिश है, कम से कम आधा पौना घंटा उसको कम से कम, और वो भी जो है ब्रिस्क वॉक करके, ताकि उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव रहे. और तीसरी उसकी जो है कि उसको स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से अपने आप को निकालना चाहिए, उसको अपने आप से बाहर निकल कर लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि स्ट्रेस इस दुनिया में पाकिस्तान में बहुत है. आजकल की सुचवाल को देखते हुए कोविड 19 के बाद स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें से ये निकालने के लिए अपने आप को कहीं बिजी रखें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें ताकि ये जो है वो स्ट्रेस से बचा जा सके. और अपनी दवाइयों का सही इस्तेमाल, और वो इस्तेमाल जो कि आपके फिजिशियन ने आपको बताया है, और उसको बंद ना करना. सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई का इस्तेमाल ना करें और उसको कोई ऑल्ट्रेशन भी ना करें, और अपने फिजिशियन से टाइम बाय टाइम जो है उससे अपॉइंटमेंट लें ताकि अगर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हों तो उसको भी किया जा सके. जो ब्लड प्रेशर है उसकी दो जो है हम उसको डिवाइड करते हैं, एक को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और एक को डायस्टोलिक कहते हैं. सिस्टोलिक ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक नीचे का. नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं सिस्टोलिक की? तकरीबन 120 से जो है वो कम होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक है वो तकरीबन 80 से कम होना चाहिए. शुगर के मरीज और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं इनको इस रेंज के अंदर रहकर अपने जो है बीपी को जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए. अब क्या किया जा सकता है जब किसी को हो जाए ब्लड प्रेशर, उसको मुसलसल बार बार जो है वो चेक करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम इस चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज जो है वो कर देते हैं, और काफ़ी अरसे बाद जो है वो चेक कराते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, फिर दवाई खा लेते हैं, फिर नॉर्मल हो जाए. इससे इस तरीके से नहीं करना चाहिए. जैसे एडवाइस किया गया है, जैसे आपको मेडिसिन बताई गई है, उसको आप इस्तेमाल करें, रेगुलरली जो है वो चेक करें, ताकि कॉम्प्लिकेशंस जिसमें हार्ट प्रॉब्लम है, जिसमें जो है दिल के अमराज, या जो है वो किडनी या गुर्दे के अमराज, आँखों के मर्ज, ये चीज़ें इससे बचा जा सके. मेरा पैगाम मेरे सुनने वालों के लिए ये है कि अगर किसी को बीपी अगर हो जाता है या किसी को डायबिटीज़ है, तो उसको आप ये मत समझें कि ये एंड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है? आपने इसको कंट्रोल करना है. मैं हमेशा अपने पेशेंट से एक बात करता हूँ कि आप इसको कंट्रोल करो इससे पहले कि ये आपको कंट्रोल कर ले. सो उसके लिए सबसे बेहतर क्या है कि जो फिजिशियन ने आपको मेडिसिन पे डाला है उसको वैसे ही इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो एक मेडिसिन है या दो हैं या ट्रिपल रिजीम है या आपको जैसे बताया गया है वैसे इस्तेमाल करें. दूसरा पैगाम, टेक होम मैसेज क्या है मेरे सुनने वालों के लिए? अच्छी ग़ज़ा का इस्तेमाल, मुनासिब ग़ज़ा खाएँ, हैवी ईटिंग मत करें प्लीज़, और रोज़ाना वॉक करें कम अज़ कम आधा पौना घंटा रोज़ाना आपकी एक्सरसाइज, और खुश रहें और अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें.